अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज बहुत अच्छी वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, जो कि हमारे बालों के हवाले से है। आजकल सबको शिकायत है कि सबके बाल बहुत टूट रहे हैं। मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ, इससे मेरे बालों में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। मैं दोबारा बना रही थी, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूँ। एक पाव मैंने लिया है सरसों का तेल, एक और मैंने लिया है कस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल की मैंने ये बॉटल ली है, ये पूरा का पूरा यूज़ होगा। और मैंने लिया है वाटिका हेयर फॉल कंट्रोल करने वाला, ये बहुत अच्छा हमारे बालों के लिए होता है। ये चार तेलों से ही मैं एक तेल बनाती हूँ। और ये मैंने लिया है नारियल का तेल, ये पूरा पूरा जाएगा। ये तेल इतना है कि ये आपका आराम से 6 महीने तक चलेगा, 4 महीने तक चलेगा। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है और इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। प्याज आप किसी भी फॉर्म में काट सकते हैं। 7-8 मैंने लहसुन लिए और इसको मैंने इस तरीके से सेंटर में से 2 पीस कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिए है मेथी दाना और 2 टेबल स्पून मैंने लिए है कलौंजी। और इसका मैं बना लूँगी पाउडर, इसको मैं अभी पाउडर फॉर्म में पीस लूँगी। ये तमाम चीज़ें आपके बालों के लिए बे इंतहा अच्छी हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में बालों टूटने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो अब मैं एक फ्राई पैन में सबसे पहले डाल दूँगी सरसों का तेल, और सरसों के तेल को मैं खूब अच्छी तरीके से पहले जला लूँगी बहुत अच्छा धुआं आने तक। जब बहुत अच्छा इसके अंदर धुआं आ जाएगा, तब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज को मैं जो है ब्राउन करूँगी। जब लहसुन और प्याज मेरे ब्राउन हो जाएंगे, उतनी देर तक मैं अपना कलौंजी और मेथी दाने का पाउडर बनाऊंगी। ये देखिए कलौंजी और मेथी दाने का पाउडर बन गया है। प्याज ब्राउन होने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये पाउडर पूरा का पूरा, और इस प्याज इस ऑयल को मैं पकाऊंगी 1.5-2 घंटे तक हल्की आंच पे। खूब अच्छी तरीके से पकेगा, प्याज मेरी बिल्कुल जल जाएगी, जल के प्याज और लहसुन कोयला हो जाएंगे, ताकि इसका पूरा का पूरा फ्लेवर मेरे ऑयल के अंदर आ जाए। प्याज बालों को दोबारा से जान डालती है, और प्याज से जो है बाल बे इंतहा अच्छे होते हैं और न्यू बाल आते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1/2 वाटिका तेल, 1/2 कस्टर ऑयल और 1/2 में शामिल कर दूंगी नारियल का तेल। उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूंगी पकने के लिए 1.5-2 घंटे के लिए। जब प्याज बिल्कुल जल जाएगी, जल के प्याज और लहसुन अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लेंगे, तब मैं इसको छान लूँगी। छानूंगी कैसे कि मैं इसके अंदर से सिर्फ लहसुन और प्याज को रिमूव कर दूंगी छान के। बाकी जो इसके अंदर मेथी दाना और कलौंजी का पाउडर है, वो तेल के अंदर एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा रहेगा। और तेल आपका जितना पकेगा उतना ही अच्छा रहेगा। 3 दिन तक तो आपको उसको धूप में रखना है, उसके बाद आपने इसको करना है इस्तेमाल। इसके अंदर और मज़ीद चीज़ें जाएंगी। यहाँ मैंने तेल को कर लिया है एक जार में, लेकिन ये जार मुझे छोटा पड़ गया था, तो इस तरह मेरे 2 जार्स भरे हैं, इतने ही बड़े। और मेथी दाने का और कलौंजी का पाउडर भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। इसके बाद मैंने लिया है विटामिन ई के कैप्सूल्स, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएंगे। तो ये 4 से 5 मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और मैं लूँगी एलोवेरा जेल, ये मैं डाल दूंगी 3 टेबल स्पून भर के। 4 अदद मैंने डाल दिए हैं विटामिन ई के कैप्सूल, और मैंने डाल दिया 3 टेबल स्पून भर के एलोवेरा जेल। और ये जो मैंने तेल बचाया है, ये तीनों तेल डाल के इसको मैं खूब अच्छी तरीके से हिलाऊंगी तेल को, और उसके बाद मैं जार में कर लूँगी। 3 दिन के बाद मैं तेल इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद मैं वापस इसको धूप में रख दूँगी। आप जब इस्तेमाल करें तब इसको धूप में रख दें। जितना ज़्यादा आपका तेल पकता रहेगा, उतने ही अच्छे आपके बाल होते रहेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपके बालों के लिए बेइंतहा अच्छा है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।